नमस्कार, धर्मज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आजकल कौन नहीं चाहता कि वो अमीर हो, ऐशो आराम की जिंदगी जिए और उसके पास भी ढेर सारे पैसे हो। और इसी पैसे कमाने के चक्कर में लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन बेशुमार मेहनत के बाद भी अक्सर हाथ खाली ही रह जाते हैं। ऐसे में माणिक, मोती, पुखराज और मुंगा जैसे नौ रत्नों पर लोग अक्सर अपनी किस्मत टेक देते हैं। लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए इन मोतियों पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन आज इन सब से परे अगर कोई आपकी किस्मत की कमान संभाले है तो वो है ये कछुए वाली अंगूठी। जी हाँ, आपने ज्यादातर लोगों के हाथों में कछुए वाली अंगूठी देखी होगी, जो कि कुछ दिनों में ही काफी ट्रेंड में आ गई है। ऐसे में अगर आपने भी ये अंगूठी पहनी है तो जरा संभल जाइए, क्योंकि ये अंगूठी तीन राशि वाले लोगों की किस्मत बिगाड़ भी सकती है। दरअसल ये अंगूठी भी राशि अनुसार पहनी जाती है, और वो कौन सी तीन राशि है जिन्हें इस अंगूठी से दूरी बनानी चाहिए ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस कछुए का महत्व, जो कि आपकी जिंदगी पर इतना असर कर रहा है कि वो आपकी हाथ की उंगली पर सज चुका है। चीन की फेंगशुइंग में कछुए को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और फेंगशुइंग के अनुसार घर में कछुए के शोपीस को रखने से घर में खुशहाली तो आती ही है, साथ ही साथ ये आपका गुड लक को लेकर भी आता है। वही बात अगर भारत की करें तो धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के रूपों में से एक रूप कछुआ भी है। ऐसे में जहां कछुआ विराजमान होगा वहां लक्ष्मी का आगमन तो होना ही है। इसके अलावा कछुए को शांति, धैर्य, निरंतरता जैसे सद्गुणों का प्रतीक कहा गया है, इसलिए ऐसे ही गुणों की प्राप्ति के लिए कछुए की अंगूठी पहनी जाती है। लेकिन जैसे हमने आपको पहले बताया कि इस अंगूठी से तीन राशि वाले लोगों को दूरी बनाए रखनी चाहिए, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को भूलकर भी कभी भी इस कछुए वाली अंगूठी को धारण नहीं करना चाहिए। दरअसल इनके ग्रहों की चाल की वजह से इनके इस्तेमाल किए जाने पर इसका उल्टा असर पड़ता है। अगर ये तीन राशि वाले कछुए की अंगूठी को पहनते हैं तो इनका व्यापार और कार्य क्षेत्र में भारी नुकसान तो होगा ही, साथ ही साथ इनके जीवन में परेशानियां भी छाई रहेंगी। इसे अगर आप भी इन राशियों में से एक हैं तो आप भी इस कछुए अंगूठी को अवॉइड करें। अगर आप इन राशि के नहीं हैं तो आपको इसे धारण करने को लेकर नियम और सावधानियों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये अंगूठी आपको नकारात्मक प्रभाव ना दे सके। तो चलिए इससे जुड़े नियम और सावधानी भी अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वास्तु शास्त्र के अनुसार आप ध्यान रखें कि कछुए वाली अंगूठी सिर्फ चांदी की ही बनी हो, लेकिन अगर आप किसी और धातु का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कछुए के आकार को चांदी में बनवाकर उसके ऊपर सोने का डिजाइन या रत्न को जड़वा सकते हैं। ध्यान रखें कि इस अंगूठी को इस तरह बनवाएं कि कछुए के सिर वाला हिस्सा पहनने वाले व्यक्ति की ओर होना चाहिए। कछुए का मुंह बाहर की ओर होगा तो धन आने की बजाय हाथ से चला जाएगा। इसके अलावा लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि आखिरकार इस अंगूठी को कौन से हाथ में, कौन सी उंगली में धारण करें। तो हम आपको बता दें कि ये अंगूठी सीधे हाथ में ही पहनी जाती है। सीधे हाथ की मध्यमा या फिर तर्जनी उंगली में आप इसे पहन सकते हैं। और इसके अलावा कछुए को माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ा गया है, इसलिए इसे धारण करने का दिन भी शुक्रवार ही है, जो कि धन की देवी को प्रसन्न करने का दिन माना जाता है। तो ऐसे में आप शुक्रवार के दिन ही इस अंगूठी को खरीदें और घर लाकर लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने कुछ देर तक रखें, और फिर इसे दूध और पानी के मिश्रण से धोएं और इसकी पूजा करके ही इसे धारण करें। इसके अलावा आप चाहें तो इस दौरान माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारी स्टोरी आपको जरूर काम आएगी। अगर इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल है जो मन में चिंता पैदा कर रहे हो, तो आप हमें अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।